नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चीन की उकसावेपूर्ण कार्रवाई के बीच भारत ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी शुरू कर दी है। मोदी सरकार की पहल पर अमेरिका निर्मित हथियारों और सैन्य साजो सामान को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब चीन के खिलाफ LAC पर भारत की तैयारी और मजबूत हो गई है। लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केवड़िया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सरदार पटेल की जयंती है और मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं, सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलख जगाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड आयोजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए देश को संबोधित करते हुए सरदार पटेल को याद किया। वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पूरा देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। दिवाली और अन्य त्योहारों से पहले भारत में चीनी सामानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने कहा है कि वे घरेलू बाजारों में चीन से उत्पादों का बहिष्कार करने वाले भारतीयों के कारण इस साल चीनी निर्यातकों की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान लगभग तय है। इस सीजन में भारत में चीन से पटाखों और अन्य सस्ते त्योहारी उत्पादों पर प्रतिबंध है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ साथ सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस के सभी दल के साथ गठबंधन जारी रखने का फैसला किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा को हराने के लिए अगले एक साल तक फिलहाल कांग्रेस और गठबंधन के अन्य तमाम दलों के साथ चलने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से COVID-19 के खिलाफ भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद नई दिल्ली विकासशील देशों में वैक्सीन और असमानताओं को कम करने के लिए 5 अरब खुराक की आपूर्ति कर सकता है। उन्होंने शनिवार को रोम में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अन्य नेताओं के साथ G20 लीडर समिट के उद्घाटन समारोह में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर पहले सत्र में बोलते हुए ये टिप्पणी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे और इस मौके पर एक विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। आर्यन खान मामले जांच पर NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक लगातार हमलावर रहे। नवाब मलिक के एक के बाद एक कई आरोप के बाद खुद समीर वानखेड़े भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इस बीच समीर वानखेड़े की फैमिली ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की है। समीर वानखेड़े की फैमिली से मिलने के बाद रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को वानखेड़े परिवार के खिलाफ साजिश नहीं करने को कहा है। लखीमपुर खीरी कांड की आंच अब ओडिशा तक पहुंच गई है। ओडिशा के कटक पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को वहां भी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को यहां बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के वाहन पर अंडे फेंके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से ये मंशा जाहिर की है कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान का आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब वो पुलिस थानों और जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों में अपना तंबू लगाएंगे। बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस साल ममता सरकार में मंत्री पद छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले राजीव बैनर्जी आज TMC में वापसी करने वाले हैं। लंबे वक्त से उनकी वापसी की अटकलें लगाई जा रही थी। यह खबर है कि पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की त्रिपुरा रैली के दौरान राजीव बैनर्जी TMC ज्वाइन करेंगे। आर्यन खान ने मुंबई के आर्थर रोड जेल में अन्य कैदियों की तरह 22 दिन बिताए। 5 दिन वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में रहे। जेल अधिकारियों की सलाह पर ही आर्यन ने किताब पढ़ी है। पहले द लॉयंस गेट और उसके बाद भगवान राम पर लिखी किताब पढ़ी। वहां कैदियों से भी उसने सामान्य बातचीत की। आर्यन खान की न्यायिक हिरासत से पहले कुछ दिन जेल के क्वारंटीन सेल में बीते, जो सभी कैदियों के लिए जरूरी है। देश में कोरोना के मामले की स्थिति को लेकर के एम्स कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय का कहना है कि देश हर्ड इम्यूनिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। संक्रमण के अधिक फैलने की वजह से अब कोरोना के मामलों में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कोरोना के मामलों में और कमी भी देखने को मिल सकती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद तमाम सेलिब्रिटीज ने उनका समर्थन किया। इसके बाद ही एक बार फिर से बॉलीवुड और इस कनेक्शन पर चर्चा शुरू हो गई है। दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने दो बेटे लव और कुश और बेटी सोनाक्षी को लेकर के बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी परवरिश काफी अच्छी हुई है और उन्हें गर्व है कि इस तरह की लत उनके बच्चों को नहीं लगी है।
दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, फिर भी दिल्ली एनसीआर में शनिवार को पिछले दिनों के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में आंशिक सुधार हुआ। इसका कारण यह है कि हवा की दिशा धुआं दिल्ली पहुंचने के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं रही, साथ ही हवा की गति भी थोड़ी अधिक रही। इस वजह से धुआं अधिक ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाया, फिर भी दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रविवार को पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नारी शक्ति के बेहतरीन उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डिजाइनर सभ्यसाची मुखर्जी को 24 घंटे में मंगलसूत्र वाला विज्ञापन हटाने की चेतावनी दी है। मंगलसूत्र का विज्ञापन बेहद आपत्तिजनक और मन को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर विज्ञापन नहीं हटाया जाता है तो सभ्यसाची के खिलाफ केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम मानते हैं कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माँ पार्वती का प्रतीक होता है और काला हिस्सा भगवान शिव जी की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एनएच से जुड़ी सड़क परियोजना की समीक्षा के क्रम में यह दिशा निर्देश दिया है कि बहुप्रतीक्षित परियोजना दानापुर बेहटा एलिवेटेड सड़क के निर्माण को ले निविदा से जुड़े काम को शीघ्र किया जाए। समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। पाकिस्तान को एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। वो अपनी धरती पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने में विफल रहे हैं। इस बार इस सूची में तुर्की को भी शामिल किया गया है, यानी अब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ तुर्की भी शामिल हो गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जुलाई 2021 सेशन में प्रवेश लेने के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी है। निगम द्वारा मंगलवार 26 अक्टूबर 2021 को साझा की गई आधिकारिक सूचना के अनुसार ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में संचालित किए जा रहे बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई गई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले BSP सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। BSP के बागी 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस बीच पूर्व CM मायावती ने ट्वीट कर दल बदलू विधायक को बरसाती मेंढक बताया है। झारखंड में 700 किलो लीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन होगा। केंद्र सरकार ने झारखंड की 5 कंपनियों से इथेनॉल खरीदने के लिए अनुबंध किया है। जानकारी के अनुसार इनलैंड पावर, क्रेजी स्प्रीट्स, ग्लोबल स्प्रीट्स लिमिटेड, ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अंकुर बायो केम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इथेनॉल खरीदने के लिए 10 साल का अनुबंध किया गया है। दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक की आतिशबाजी कर सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। परिषद के सदस्य सचिव YK दास ने जारी आदेश में कहा है कि झारखंड में दिवाली, छठ, क्रिसमस और नववर्ष के दौरान मात्र 2 घंटे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। छठ महापर्व के मौके पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु शनिवार को महिला एकल सेमीफाइनल में जापान की सयाका ताकाहाशी से 3 गेम तक चले संघर्षपूर्ण मैच में हारकर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। हैदराबाद की 26 वर्षीय खिलाड़ी पहला गेम जीतने का फायदा नहीं उठा पाई और विश्व में 15वें नंबर की ताकाहाशी से 21-18, 16-21, 12-21 से हार गई। महामारी रोग अधिनियम के तहत वेक्टर जनित बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया को अधिसूचनीय बीमारी बनाया गया है। ये जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। अधिसूचना में सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि वे ऐसे मामले आने पर सरकार को सूचित करें। अस्पतालों द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर पता लगाया जाएगा कि बीमारी कहां फैल रही है और उन्हें संक्रमित या खतरे वाला इलाका घोषित करना है या नहीं। देश में COVID-19 का प्रकोप अभी भी बरकरार है। देश में अभी भी बड़ी संख्या में जान जा रही है। पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 12,830 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल 446 लोगों की जान गई है, जिसके बाद अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 458,186 पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का आज आखिरी दिन है। दिन में G20 सम्मेलन के दूसरे दिन की बैठक में शामिल होने के बाद पीएम मोदी रात में ग्लासगो के लिए रवाना हो जाएंगे। आज COP26 की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। G20 के इतर पीएम मोदी आज जर्मनी के चांसलर के अलावा कुछ और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। कोरोना महामारी ने दुनिया से स्वास्थ्य संकट के अलावा जिस अन्य चुनौती को उभारा है वो है सप्लाई चेन की कमजोरियां। किसी मानव संकट के मुकाबले की खातिर दुनिया के कई देश सप्लाई चेन मजबूती का भरोसा चाहते हैं। इटली की राजधानी रोम में चल रहे 16वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सप्लाई चेन मजबूती जहां एक प्रमुख मुद्दा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी 31 अक्टूबर को इस मामले पर एक अलग बैठक का आयोजन किया है। देश में दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ईंधन के दामों ने आसमान छू लिया है। देश में आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। आज भी पेट्रोल और डीजल 35-35 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का दाम 109.34 रुपये और एक लीटर डीजल का दाम 98.07 रुपये हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत साल 2022 के अंत तक 5 बिलियन कोरोना वैक्सीन की डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि वैक्सीन की डोज बड़े स्तर पर दुनिया के लिए उपलब्ध रहेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामू कुमार, श्याम नंदन कुमार, प्रभात सिंह, प्रभा कुमारी, प्रशांत कुमार, सोनिया कुमारी, दिलशाद आलम, प्रहलाद जोशी, कुश कुमार, कुमार संजय, रवि कुमार, सूरज कुमार, सूर्यकांत सिंह, सोना कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आप परेशान हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।